Hello friends, welcome to my channel Knowledge Crush. I'm Dr. Vishakha. And हम सबको पता है हम ज्योग्राफी की यहाँ पे सीरीज चला रहे हैं ओके इसी सीरीज में हम क्लासिक्स मतलब इस सीरीज को हमने क्लासिक्स एनसीईआरटी से स्टार्ट किया है ओके तो आज हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे आई अगेन रिपीट आज हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे और इस चैप्टर का नाम है मैप्स ठीक है मैप सी बेसिकली यदि हम यूपीएससी की पर्सपेक्टिव यदि बात करें तो मैप पे हमें इस तरीके का व्हाट इज मैप इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है बट नो डाउट मैप से रिलेटेड हमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसे हम वर्ल्ड मैप में या एटलस मोस्टली हम यूज करते हैं एटलस टू नो द प्लेसेस रीजन कंटिनेंट ओशियंस ओके तो इनके लिए हमें मैप क्या है तो मैप का किस तरीके से हमें रीडिंग करना है क्या रीडिंग का तो हम तब करेंगे जब हम स्पेशली मैप रीडिंग का क्लास यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पर यहाँ पे हम जस्ट समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में मैप का जो यहाँ पे बात करिए तो ये मैप क्या है ओके जब इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया था जब इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किया था ग्लोब से ओके आई होप सो सबको याद है कि ग्लोब क्या है ओके तो ग्लोब को मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे इस तरीके का एक एक्सिस ड्रॉन होता है और जिसके अराउंड वो क्या है ग्लोब में एक मतलब रिवॉल्यूशन सॉरी ग्लोब में एक रोटेशन मूवमेंट होता रहता है ये हमें पता है पर ये ग्लोब या ग्लोब के अदर दूसरी बात कहूँ तो मैंने क्या कहा था ग्लोब इज द ट्रू कॉपी ऑफ द अर्थ आई अगेन रिपीट मैंने क्या कहा था ग्लोब क्या है ट्रू कॉपी ऑफ अर्थ ठीक है तो ग्लोब यदि ट्रू कॉपी ऑफ द अर्थ है उसके बावजूद हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ी मैप की क्योंकि एज वी नो कि ग्लोब में ट्रू कॉपी ऑफ द अर्थ है नो डाउट बट ग्लोब पे हम प्रिसाइज लोकेशन के बारे में नहीं समझ सकते लाइक यस ग्लोब पे हमें यहाँ पे कंटिनेंट्स के बारे में ओशंस के बारे में बताया है पर यदि हमें पर्टिकुलर किसी कंटिनेंट की डिटेल ज्योग्राफी समझनी है उसका पॉलिटिकल मैप उसका फिजिकल मैप समझना है उस कंटिनेंट के कंट्रीज के बारे में स्टडी करना है कंट्रीज में उसके स्टेट के बारे में या उसके डिस्ट्रिक्ट विलेज इस तरीके की यदि हमें स्टडी करनी है तो वो स्टडी ग्लोब पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है और इसी वजह से हमने यहाँ पे इन शॉर्ट मैप क्या है मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और द पार्ट ऑफ द अर्थ जो भी हम क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन द पेपर पेपर पे जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तो अर्थ को कह सकते हैं या अर्थ के किसी एक प्रिसाइज पार्ट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कह रहे हैं मैप उसे हम क्या कहते हैं मैप अब मैप की यदि अगेन मैं बताऊं तो किस तरीके से हम कह रहे हैं सपोज टू बी मैं यदि बात कर रही हूँ हमारे एशियन कंटिनेंट की आई अगेन रिपीट मैंने यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ मैं एशियन कंटिनेंट अब यदि मैं यहाँ पे ग्लोब की बात करूँ तो नो डाउट इस पे भी एशियन कंटिनेंट दिया हुआ है बट यदि हमें स्पेसिफिकली एशिया में साउथ ईस्ट एरिया की बात करनी है तो वो बातें या वो जो बात मैं यहाँ पे साउथ ईस्ट की जो यदि मैं फिजिकल लोकेशन की बात कर रही हूँ तो वो हम कंप्लीट तरीके से ग्लोब पे नहीं समझ सकते हैं तो इसी का रिप्रेजेंटेशन हमें किस पे मिल रहा है मैप के ऊपर हमें मिलता है अपार्ट फ्रॉम दैट यदि मैंने यहाँ पे कहा एशिया के अंदर यदि मैं आपको कहूँ कि हमें रिवर सिस्टम समझना है यदि हमें यदि हमें यहाँ के प्लेट्यूज के बारे में समझना है या कह सकते हैं हम माउंटेन्स के बारे में हमें क्या एक डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसलिए हम किसका फॉर्मेशन किए हैं हम किससे उस चीज को रीड करते हैं मैप से करते हैं बेसिकली यहाँ पे मैप क्या है ये तो आपका क्लियर हुआ तो अब इसी मैप को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं दो तो पार्ट हमें ऑलरेडी पता है देखो जो भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है या जो भी क्लास 6 ऑनवर्ड जब हम ज्योग्राफी से हमारा इंटरेक्शन होता है तो दो मैप हमें ऑलरेडी पता होती है एक तो आता है आपका पॉलिटिकल मैप और दूसरा आता है फिजिकल मैप पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही टाइप्स है हमारे मैप के अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स जो है ना प्रेजेंट है पर इस एनसीईआरटी में हमें सिर्फ 3 टाइप्स के मैप को ही रीड करना है जिसमें हम पहले मैप की बात करेंगे वो है हमारा पॉलिटिकल मैप सेकेंड मैप की यदि बात करें तो वो होगा हमारा फिजिकल मैप और तीसरा जो हम बात करेंगे वो होगा थेमेटिक मैप जो मैंने फर्स्ट टाइप की बात की उसे हमने क्या कहा पॉलिटिकल मैप तो पॉलिटिकल मैप क्या है वो मैप देखो यहाँ पे मैंने इंडिया का पॉलिटिकल मैप के बारे में मैं बता रही हूँ ना कि
कंट्री आई एम सॉरी मतलब वर्ल्ड मैप की यहाँ पे नहीं बात करी, वर्ल्ड मैप में भी हम पॉलिटिकल और फिजिकल मैप और थेमेटिक मैप देखते हैं, पर मैंने इजी समझने के लिए यहाँ पे सिर्फ इंडिया के मैप रखे हैं, जिस इसी इंडिया के मैप पे ही हम पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थेमेटिक मैप को समझेंगे। तो यदि मैं इस मैप को पॉलिटिकल मैप कहूँ तो ये क्या शो कर रहा है हमें, पहले तो कंट्रीज, कंट्रीज की बॉर्डर, जैसे सी यहाँ पे नेपाल है, पाकिस्तान है, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनके साथ हमें क्या शो कर रहा है, यहाँ पे बॉर्डर शो कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि हम इंडिया की यहाँ पे बात करें तो इंडिया के हमारे जो भी 28 स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे प्रिसाइजली शो कर रहा है। मैप शोइंग द कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, विलेजेस, ओके, और ये प्रिसाइजली विद बॉर्डर हमें शो करता है, और इसी मैप को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप, ओके। अब हम सेकेंड मैप की यहाँ पे बात करेंगे, वो है हमारा फिजिकल मैप। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल में बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, फिजिकल मैप, इसमें भी मैंने इंडिया का ही एग्जाम्पल लिया है। तो इस फिजिकल मैप में हम क्या देख रहे हैं मोस्टली, कि यहाँ पे हमें माउंटेन्स, देन प्लेट्यूज, रेंजेस, ओके, या डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है, डेजर्ट, इनके बारे में जो प्रिसाइजली हमें नॉलेज मिलता है, इन मैप को हम क्या कहते हैं, फिजिकल मैप। व्हाट इज फिजिकल मैप? मैप शोइंग द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कह सकते हैं प्लेट्यूज, प्लेन, माउंटेन, रिवर्स, ओके, एंड इस मैप को हम क्या कहते हैं, फिजिकल मैप, एंड दिस मैप इज कॉल्ड द फिजिकल मैप। थर्ड मैप की यहाँ पे हम बात करेंगे, वो है हमारा थीमेटिक मैप। सी इस वर्ड में ही आपको एक समझ में आ रहा है कि थीमेटिक मीन्स क्या है, दिस मैप इज टॉकिंग अबाउट द थीम, मीन्स एक कोई भी एक थीम यहाँ पे दिया हुआ है और उसी के बारे में जो यहाँ पे प्रिसाइजली हमें बता रहा है उस मैप को हम कहते हैं थीमेटिक मैप। सम मैप्स विच फोकस ऑन द स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक थिंग, लाइक यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इस एरिया को, तो ये क्या है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसे यदि मैं बात करूँ तो ये क्या है आपका, माउंटेनी, सब ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट फॉरेस्ट। तो इस तरीके का एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है और इसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने वाले मैप को हम कहते हैं थेमेटिक मैप। यदि हम बात करें थेमेटिक मैप की तो क्या है, दिस मैप प्रोवाइड अस अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक रोड, रेलवे लाइन्स, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट माउंटेन्स, रेंजेस, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ओके। तो इस तरीके का जो स्पेसिफिक हमें इंफॉर्मेशन देता है उस मैप को हम क्या कहते हैं, थेमेटिक मैप। आई होप सो यहां तक आपके पॉइंट क्लियर है, ओके। सो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। देखो हमने देखा कि मैप क्या है, टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप हम बात किए, पर अब ये जो मैप की मैं बात कर रही हूँ, इस मैप में कुछ तो कंपोनेंट्स होंगे जिस कंपोनेंट पे मैप क्या हमारा बेस है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स है जिसके बेस पे हम मैप को डिटेल में समझ सकते हैं या हम मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट होगा हमारा डिस्टेंस, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है हमारा डिरेक्शंस, एंड थर्ड जो कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं सिंबल, ओके। सी यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ जिसे हमने क्या कहा, डिस्टेंस। सपोज टू बी यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ कि ये हमारा हिमालय है, हिमालयस में यदि मैं बात करूं, हिमालयस में यदि ये हिमाद्री रेंज है, ओके, मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया, हिमालय, हिमालय में से हमने एक लाइन ली है जिसे हमने क्या कहा, हिमाद्री रेंज, हिमाद्री की कंप्लीट रेंज। यदि हिमाद्री रेंज नहीं तो हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है। तो अब इसका जो डिस्टेंस है, आई यूज वर्ड डिस्टेंस, तो इनका जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेट डिस्टेंस होगा किस पे, मैप पे, ओके। तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज यहाँ पे करते हैं, स्केल का यूज करते हैं, टू मेजर द एग्जैक्ट डिस्टेंस जो एक्चुअल में अर्थ के ऊपर है, और वही डिस्टेंस यदि हमें मैप में प्रेजेंट करना है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं स्केल, ओके। सपोज यदि मैं आपको कहूं कि वेस्टर्न घाट, सपोज आई यूज वर्ड सपोज, तो वेस्टर्न घाट सपोज मैंने यहाँ पे कहा कि ये 500 किलोमीटर है, ओके, वेस्टर्न घाट कितने 500 किलोमीटर है, तो इसी 500 किलोमीटर को यदि हमें स्केल पे डिनोट करना है, स्केल पे डिनोट करना है, तो मैं यहाँ पे लूंगी मोस्टली 1 सेंटीमीटर,
ओके 1 सेंटीमीटर मींस यदि इस 500 किलोमीटर को यदि मुझे 1000 किलोमीटर यहाँ पे बताना है तो इसी स्केल पे मैं यहाँ पे 500 का क्या लूंगी, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। मींस क्या है कि यदि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू यदि मैं 500 ले रही हूँ मींस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होगा मेरा 1000 किलोमीटर होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी रिप्रेजेंटेशन को, इसी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर रहे हैं मैप के ऊपर, स्केल से कर रहे हैं। ओके और इस स्केल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्चुअल ट्रू एक्सप्लेनेशन है, नॉट एक्सप्लेनेशन, ट्रू कह सकते हैं डिस्टेंस है। ओके और इसी डिस्टेंस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो कंपोनेंट ऑफ द मैप में जो पहला इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट क्या आ रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका ट्रू इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट यहाँ पे आता है। तो आपका फ्लैट है या कह सकते हो होम है, इस फ्लैट या होम से आपके इंस्टीट्यूट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर। कितना है, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया इधर फ्लैट और द हाउस। ओके होम हाउ होम या फ्लैट से जो आपके इंस्टीट्यूट का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। अब इसी 10 किलोमीटर को यदि आपको मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ओके तो आप कैसे डिस्टेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर सपोज, मीन्स 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 10 किलोमीटर। ओके तो यदि आपको डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है कहां से, आपके होम से इंस्टीट्यूट का या इंस्टीट्यूट से होम का, तो ये डिस्टेंस आप ये जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 सेंटीमीटर के स्केल से। और इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके ऊपर, हमारे मैप के ऊपर। डिस्टेंस को हमने यदि इसको और प्रिसाइजली समझना है तो इसे हम 2 टाइप्स में बात करते हैं। पहला जो है वो है हमारा स्मॉल स्केल मैप और सेकेंड जो यहाँ पे मैं बात करूंगी वो होगा लार्ज स्केल मैप। अब देखो स्मॉल स्केल मैप, इसी में आपको क्लियर हो रहा है कि एग्जैक्टली मैं क्या कह रही हूँ। सपोज टू बी यदि मुझे आपको माउंटेन रेंजेस के बारे में बताना है, देखो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ किसकी, स्मॉल स्केल मैप के। तो स्मॉल स्केल मैप में यदि मैं आपको किसके बारे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, माउंटेन रेंज के बारे में, माउंटेन रेंज। तो यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि ये माउंटेन रेंज जो है ये कितनी है, 5000 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर है। अभी इसी 5000 किलोमीटर को यदि मुझे मैप पे रिप्रेजेंट करना है तो माइट बी मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करूंगी, 5 सेंटीमीटर। यू गेटिंग माई पॉइंट, 5 सेंटीमीटर। तो मींस यहाँ पे क्या कह रही हूँ मैं कि 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या लिया, 5000 किलोमीटर। ये वाला मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हुआ और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, अब देखो लार्ज स्केल मैप। अभी यदि मुझे किसी विलेज का सर्वे करना है, ओके विलेज का सर्वे करना है और उस विलेज को यदि मुझे मैप पे प्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि विलेज का जो एरिया है वो, विलेज का जो एरिया है वो सपोज टू बी कितना होगा, 500 मीटर। और इसी 500 मीटर को यदि मुझे मैप पे बताना है तो मैं इसको क्या करूंगी, रिप्रेजेंट 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, यदि स्मॉल स्केल मैप की बात करूं तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 5000 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया था, मींस इसे हमने स्मॉल स्केल मैप कहा। पर जब हम स्मॉल एरिया को ही, मतलब सेम इसमें देखो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है, बट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5000 किलोमीटर है, पर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 मीटर है। विच मीन्स इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं, लार्ज स्केल मैप। और इस जहाँ पे हमने स्मॉल इसमें डिनोट किया है लार्ज एरिया को उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप। सो हमने यहाँ पे एक टॉपिक हमारा कम्प्लीट किया जिसे हमने क्या कहा, डिस्टेंस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, डायरेक्शंस की। सी आफ्टर डिस्टेंस दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पार्ट आता है वो है हमारा डायरेक्शंस। तो उस मैप में हमेशा देखना, सपोज यदि मैं इसे मैप यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तो इस जगह पे इस अपर राइट हैंड साइड में एक आपको सिंबल इस तरीके से दिखता है और ये सिंबल क्या डिनोट करता है, आपकी डायरेक्शन कौन सी, नॉर्थ डायरेक्शन। यू गेटिंग माई पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन। तो यदि आपको एक डायरेक्शन पता है तो रिमेनिंग डायरेक्शंस आप आसानी से निकाल सकते हैं, समझ आए आपको। तो यहाँ पे सेकेंड क्या चीज है ना, मैप का जो इम्पोर्टेंट सेकेंड कंपोनेंट आता है वो है डायरेक्शंस। सी
डिरेक्शन में, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, डिरेक्शंस में ही हम बात करें किसके, कार्डिनल पॉइंट्स। तो हमारे पास चार कार्डिनल पॉइंट्स हैं। पहला जो यदि कार्डिनल पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूं, तो पहली डिरेक्शन क्या हमारी नॉर्थ, दूसरी आती हमारी साउथ, फिर आएगी ईस्ट और ये आएगी वेस्ट। तो ये जो फोर डिरेक्शंस है, इन डिरेक्शंस को हम क्या कह रहे हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस कार्डिनल पॉइंट कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि अब यहाँ पे ये हुए हमारे कार्डिनल्स पॉइंट्स। अब इन कार्डिनल्स पॉइंट्स के अलावा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी हमें मिलती है। सपोज यदि मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, तो ये वाली कौन सी होगी हमारी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन की यहाँ पे बात करूं, तो ये क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट इस डायरेक्शन की बात करें, तो ये होगी हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को यदि देखें, तो ये होगी हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो यदि हमारे पास डिरेक्शन के हमें आइडिया है, मींस हम हमारे लोकेशन को प्रिसाइजली यहाँ पे रख सकते हैं। सपोज यदि मैंने कहा कि हमारे क्लास में कोई एक लड़का या लड़की है, सपोज मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ सैम। अब इसको आप कोई भी जेंडर बायस नहीं है, लो। तो अभी मैंने क्या कहा कि सैम जो है या सैम का जो घर है वो नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन में है। ये हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, या कोई भी आप लोकेशन ले सकते हो इंडिया का। तो उस लोकेशन में यदि आपको ये बताना है कि ये सैम नाम का जो लड़का या जेंडर बायस ने लड़की, ये कौन से एरिया में एग्जैक्टली इसके घर का लोकेशन है, यदि मैं कहूँ नॉर्थ ईस्ट में है और सैम यदि यहाँ पे है, तो हमें इसका डिरेक्शन समझने में क्या हो रही है, आसानी हो रही है। तो डिरेक्शन भी जो है ना, एक मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, मैप का। जो हमारा कंपोनेंट यहाँ पे हम बात करेंगे वो है सिंबल। सी, डिस्टेंस क्लियर है। डिस्टेंस क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट है, जो अर्थ का या जो लैंड का है, जो हम मैप पे देखते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पे बात की डायरेक्शंस, क्योंकि मान लीजिए यदि हम ऐसे प्लेसेस, ऐसी कहीं जगह पे जहां पे हमें डायरेक्शन कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम मैप को किस साइड से रखेंगे और उस डायरेक्शन को जाने का हमारा रास्ता ढूंढेंगे। तो इसलिए हमें सेकंड हमने बात किया था डायरेक्शन, जिसके ऊपर हमने एक नॉर्थ साइड प्रिसाइजली दी हुई होती है, हमें पता है। यदि आपके पास, आपको नॉर्थ पता है, तो ऑफकोर्स आप दोनों बाकी जो रिमेनिंग तीन डायरेक्शंस है, जिसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस के यहाँ पे बात की, वो निकाल सकते हैं। यदि आपके पास फोर डायरेक्शंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको पता है, तो आप इंटरमीडिएट डायरेक्शंस तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम तीसरे कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, वो है सिंबल। क्यों हमें दिए गए हैं, हम ऐसे अननोन प्लेस पे गए हैं और हमें वहां पे कुछ लैंग्वेज बैरियर आ रहा है। लैंग्वेज बैरियर है मीन्स हम नहीं बात कर सकते। सपोज आई एम मराठी, आई एम महाराष्ट्रियन, मेरी लैंग्वेज मराठी है। यदि मैं असम जाऊं, यदि मैं तमिलनाडु जाऊं, यदि मैं आंध्रा जाऊं, ठीक है, यदि ऐसे जगह पे मैं जा रही हूं, तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो बैरियर आएगा वो मेरा लैंग्वेज बैरियर आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें यहाँ पे क्या है, कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल हम उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके अलावा यदि दूसरा मैं आपको कहूँ, तो बहुत से ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे अर्थ पे जो हम कैटेगोरिकली मैप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। सपोज यदि मैंने आपको कहा कि यदि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे, हम रेलवे लाइंस की बात करेंगे, हम ब्रिजेस की बात करेंगे, हम बिल्डिंग्स की बात करेंगे, यू गेटिंग माई पॉइंट, तो ये चीजें हम एज इट इज एक्यूरेट मैप पे नहीं शो कर सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। तो इसी वजह से हमने इनको शो करने के लिए, मैप पे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए हैं, और ये जो सिंबल्स है ये रीजनल नहीं है, ये इंटरनेशनली अप्रूव किए गए हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट, ये इंटरनेशनली एक अग्रीमेंट बना है, और उसी अग्रीमेंट से हमने कुछ सिंबल्स जो है एज इट इज लिए हैं, और जो सिंबल्स हमें हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में समझने में। इसके अलावा हमने कुछ कलर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, जैसे यदि मैं ब्राउन कलर कहूँ तो हम माउंटेन की बात कर रहे हैं, हम ब्लू कलर कहूँ तो मैं वाटर बॉडीज की बात कर रही हूँ, ग्रीन कलर की बात करूँ तो मैं प्लेन एरियाज की बात कर रही हूँ। तो ये कुछ कलर्स हैं, कुछ शेप्स हैं, कुछ साइज है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, इस तरीके कुछ लाइंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ इंटरनेशनली अप्रूव मीन्स अग्रीमेंट में जो अप्रूव सिंबल है, वो सिंबल हमें मैप पे रिप्रेजेंट करने के लिए दिए हैं, ताकि जो ऐसी चीजें हैं जो हम मैप पे एज इट इज नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। सिंबल की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन को हम किस तरीके से सिंबल में कर रहे हैं, यदि इस तरीके का सिंबल हमें दिख रहा है, तो ये क्या हुआ आपका, ब्रॉड गॉज,
ये वाला मीटर गॉज और इस तरीके का यदि सिंबल दिखेगा तो इसे हम कहते हैं रेलवे स्टेशन। रोड्स की बात करेंगे तो ये ऐसे टू लाइन्स यदि हमें दिख रही है प्लेन तो ये मेटल्ड हुआ, टू डॉटेड लाइन हमें दिख रही है तो ये क्या हुआ अनमेटल्ड रोड हुआ। बाउंड्रीज की बात करें तो एक छोटी लाइन पॉइंट ये क्या हुई हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री, पर इससे यदि थोड़ा सा पॉइंट छोटा स्मॉल इसमें हो तो ये क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है स्टेट। और यदि डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो हम सिंपल इस तरीके से क्या दे रहे हैं लाइन दे रहे हैं। वैसे ये हुआ हमारा रिवर, ये वेल, कैनल, टेम्पल, पीओ मीन्स होगा आपका पोस्ट ऑफिस, पीएस मीन्स पुलिस स्टेशन, ओके ये हमें यहाँ पे दिख रही ट्रीज होगी, ये ग्रास है, ये सेटलमेंट एरिया है, ये इस तरीके का यदि सिंबल होगा तो ये क्या है आपका ग्रेवयार्ड है। तो ये वाला क्या हमारा थर्ड कंपोनेंट है मैप का। सी ये आज के यूनिट के आज के इस चैप्टर के लास्ट टू पॉइंट्स है जिसमें जो पहला वर्ड यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं स्केच। जब मैंने मैप की बात की तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि एक यूनिट एक स्केल हमें प्रिसाइजली इम्पॉर्टेंट है, वो मेजरमेंट हमें इम्पॉर्टेंट है, पर जब हम स्केच की बात करते हैं ना इसमें हमें मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। स्पॉट ऑब्जर्वेशन और इमेजिन करके जो हम रोड बता रहे हैं किसी को भी उसे हम क्या कह रहे हैं स्केच। ये स्पॉट ऑब्जर्व कर रहे हैं या इमेजिन करके हम कन्वे कर रहे हैं, और इस ऑब्जर्वेशन को स्पॉट ऑब्जर्वेशन या इमेजिनेशन से जो हम यहाँ पे किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ मैप उसे हम स्केच कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, सपोज टू बी आप अभी कहाँ पे बैठे हुए हो इंस्टीट्यूट में हो, ओके आप अभी इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हो और आपका ही कोई एक फ्रेंड किसी एक एक्स जगह पे अभी है, ये फ्रेंड नहीं है ये प्लेस का नाम है। अब इस फ्रेंड ने आपको यहाँ पे कॉल करके पूछा है कि मुझे इंस्टीट्यूट का रास्ता कंफ्यूज हो रहा है, मैं रोड कंफ्यूज हो रहा हूँ, तुम मुझे लोकेशन बताओ ताकि मैं आऊँ। वो ये नहीं कह रहा है व्हाट्सएप से लोकेशन भेजो, ये वर्ड नहीं यूज कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे आइडिया दो कि मुझे कैसे आना है। मोस्टली हम लोग भी यदि हमें कहीं अननोन प्लेस पे जाना होता है ना तो हम रोड पे ना किसी से पूछते हैं, चाहे वो ठेली वाला रहे, वहां पे कोई पासर बाय इंसान मीन्स मैन रहे, उससे भी हम पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमें कैसे जाना है, फिर और अपने हिसाब से बताता है कि स्ट्रेट जाओ फिर लेफ्ट लो राइट लो वहां पे आ जाएगा। तो अब यदि इस एक्स प्लेस से हमें इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताना है तो हम क्या कहेंगे कि भाई तू स्ट्रेट आ, वहां पे तुझे एक टेंपल मिलेगा या चर्च मिलेगा या मॉस्क मिलेगा, ठीक है, फिर वहां से तू राइट टर्न ले, वहां पे तुझे कुछ हॉस्पिटल या कुछ मिलेगा, वहां से तू थोड़ा सा स्ट्रेट आ, वहां पे तुझे केएफसी या समथिंग कुछ मिलेगा, यू गेटिंग माई पॉइंट, और फिर वहां से तो यदि स्ट्रेट आएगा ना तो तुझे इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। तो ये क्या है आपने स्पॉट ऑब्जर्वेशन किया है, इमेजिन करके इस बंदे को यहाँ से जो एक्स प्लेस पे था ना इसे आपने एक कर्सरी वे में या एक स्पॉट ऑब्जर्वेशन है इमेजिनरी वे में जो स्केच बना के एक कह सकते हैं मैप बताया ताकि ये बंदा यहाँ तक पहुंच सके, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं स्केच कहते हैं, ठीक है। ये लास्ट है, अब देखो ड्राइंग ऑफ द स्मॉल एरिया ऑन द लार्ज स्केल, सिंपल डेफिनेशन इसी को हम प्लान कहते हैं, ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन द लार्जर स्केल, क्योंकि एरिया क्या था इस रूम का स्मॉल था पर इसी एरिया को हमने एक लार्जर स्केल से मींस एक्सट्रीमली मींस अच्छे तरीके से या प्रिसाइज तरीके से इसको ड्रॉ किया कि ये एक आपका बेडरूम है, दूसरा ये आपका एक बेडरूम है, ये आपका किचन है, ये आपका हॉल है। अब इस पूरे घर का ये जो मैप है ये हमें किसी भी मैप पे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो इसके लिए जो हम स्पेशली एक प्लान करते हैं या जिसे इस चीज को जहां पे हम स्केच करते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्लान कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये आपको तो मतलब मैप के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, इस मैप में आपको क्वेश्चन आएगा ये नहीं कह सकती हूँ, पर नो डाउट जब हम मैप रीडिंग की बात करेंगे तब आपको इन मैप्स के बारे में पता होना जरूरी है कि हम एग्जैक्टली अभी कौन से मैप पे हमें जाना है। यदि हमें माउंटेन्स के बारे में बात करनी है तो हम फिजिकल मैप पे जाएंगे, यदि हमें फॉरेस्ट के बारे में रेलवे रोड्स के बारे में ठीक है या ब्रिजेस कहाँ पे इनके बारे में बात करनी है तो हम थेमेटिक मैप पे जाएंगे, यदि हमें कंट्री के बारे में जानना है ठीक है कंट्री स्टेट विलेज डिस्ट्रिक्ट इनके बारे में जानना है तो हम कौन से मैप पे जाएंगे पॉलिटिकल मैप में जाएंगे, और इमेजिनरी वे में यदि या स्पॉट ऑब्जर्वेशन से यदि हम किसी को रास्ता बता रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे स्केच कहेंगे, और एक स्मॉल लोक एरिया का एकदम प्रिसाइजली जो बड़े तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे प्लान कहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।